हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ, और सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और देखिए शाम के 6 बज रहे हैं और मेरी ये मेहंदी लग गई थी। मेहंदी मैंने लगाई थी बट रची नहीं है बिल्कुल। देखिए ना, नहीं रची है मेहंदी, पता नहीं क्यों नहीं रची। हर बार रच जाती थी हर साल, लेकिन इस बार नहीं रची है। और यहाँ पे मेहंदी की जगह रंग लग गया है, ये देखिए रंग लगा हुआ है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। और खाना हमारा खाना पीना बन गया था, मतलब पूजा की तैयारी में जो खाना बनता है कढ़ी चावल, आज हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं और फरे बनते हैं दूध के फरे, उससे पूजा होती है। तो मैं आप लोगों को अपने बने रहिए मेरे वीडियो में, और मेरी इस वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से करवा चौथ की पूजा करती हूँ। तो देखिए पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ कर लूँगी, और फिर साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ पे जो कलश होते हैं ना उसके लिए रखने के लिए मैं तैयारी करूँगी। तो अभी मैं कलर लेके आई हूँ, चावल के आटा को मैंने भिगो दिया था, उसी से मैं कलर करूँगी क्योंकि वाइट वाइट अच्छा और शुभ भी माना गया है चावल के आटे से कलर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों कलश रखने के लिए मैंने बना दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ कैलेंडर लेके आऊँगी, कैलेंडर भी लगाना है। कैलेंडर के लिए कुछ जुगाड़ नहीं है, ऊपर खिड़की है तो खिड़की में ही मैं कहीं उसको फंसाऊँगी। तो देखिए कैलेंडर लगाने का भी जुगाड़ पानी हो रहा है, हो गया है। और बस अब मैं पूजा की सारी तैयारी कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। हेलो हेलो, तो देखिए मैं तैयार होके रेडी हो चुकी हूँ। और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो चलिए मैं अब पूजा करने जा रही हूँ, और आप लोग बने रहिए मेरे इस वीडियो में। Thank you.
तो देखिए इस तरीके से होती है हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।